गाइस वेलकम इन दिस वीडियो। गाइस आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं द चैप्टर द लिविंग वर्ड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2019। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स लेंगे जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में आपको मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है द लिविंग वर्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये वीडियो आपकी बहुत लंबी होगी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस टाइप की और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए हम शुरू करें। उससे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। सबसे पहले हमें अभी तक ये पता है कि जो लिविंग वर्ड्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट की सेंस की एबिलिटी होती है, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? इट्स अ केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होती है, जो दो टाइप की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। उसके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं। उसके बाद है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये सब होता है लिविंग्स के कुछ प्रॉपर्टीज। उसके अलावा जब हम डिफरेंस की बात करते हैं बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कुछ क्राइटेरियाज को लेके, तब उसमें हमें एक डिफाइनिंग फीचर फाइंड करना होता है कि कौन ऐसा फीचर है जो लिविंग को प्योरली डिफाइन कर सकता है। सबसे तो पहले आता है हमारे पास एक पॉइंट, ग्रोथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो मास में इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि उसका मास बढ़ रहा है, या फिर अगर वो नंबर्स में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको ग्रोथ ही मानेंगे। तो जो लिविंग होते हैं वो तो ग्रो करते ही करते हैं, हमें सबको पता है, पर जो नॉन लिविंग होते हैं दे कैन ऑल्सो ग्रो। कैसे? अगर हम क्राइटेरिया लेते हैं बॉडी मास के इंक्रीज करने का, तो जो माउंटेन्स होते हैं, बाउल्डर्स होते हैं, या जो सैंड माउंट्स होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। किस तरीके से? उनकी जो सरफेस होती है उस पर मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। जैसे कि जो आपने देखे होंगे जो पहाड़ वगैरह होते हैं उस पर जो है सरफेस पर चीज़ें एक्यूमुलेट होने लगती हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी ग्रो कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोजनी, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पजल सिमिलर फीचर्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स। तो एक ऐसी प्रोजनी को प्रोड्यूस करना जिसमें कुछ सिमिलर फीचर्स हों पेरेंट्स के जैसे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मीन्स, मतलब कि वो सेक्सुअली भी कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी कर सकते हैं और वेजिटेटिव से भी कर सकते हैं। बट दे आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डोंट रिप्रोड्यूस। आप सबको ही पता है कि म्यूल्स होते हैं, या जो स्टराइल वर्कर वीज होते हैं, या जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, ह्यूमन कपल्स, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर वो लिविंग तो होते हैं, उनमें और सारे फंक्शंस होते हैं, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है लिविंग के अंदर, इसीलिए हम इसको भी डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, ठीक है। और ये चीज़ तो हम सभी को पता है कि जो नॉन लिविंग है उनमें किसी में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होती क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल्स से मिलके बने होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग क्लासेस और साइजेस के से बिलोंग करते हैं, बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो है कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और खुद को चेंज करते हैं अलग मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो इन कन्वर्सन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में मेटाबॉलिज्म होती है, और जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। तो इट इज़ क्लियर कट कि ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, और मैंने सेम टू सेम आपको ऐसे उतार के समझाने वाली हूँ, बिकॉज ये इजी नहीं होती समझने में और इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दिया हुआ है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। उसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनको हम सेल फ्री सिस्टम में बॉडी के बाहर भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को चला रहे हैं, तो उन रिएक्शन को अगर इन विट्रो है, इन विट्रो मतलब होता है बॉडी के बाहर, और इन वीवो मतलब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो
अगर इन विट्रो कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन कहेंगे, ना कि लिविंग थिंग्स. सो ये डिफरेंस होता है, ठीक है. उसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज़ द ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग, बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं, और हम सभी को पता है कि कोई भी नॉन लिविंग जो है वो सेल से मिलके नहीं बना होता है. उसके बाद आती है नेक्स्ट कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट. अपने आसपास के सराउंडिंग और इन्वायरमेंट से अगर हमें सेंस है, हमें पता है कि आसपास क्या हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर होते हैं, ठीक है. और जो नॉन लिविंग होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस. ये क्या होता है? द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो आप हैं या जो हम हैं, वो सब कौन है? सेल्फ कॉन्शियसनेस. क्यों? बिकॉज हमें पता है हमारे बारे में, ठीक है. जैसे कि हमें पता है कि हमें, आपको पता है कि नीट का एग्जाम देना है, आपको ये पता है कि आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इवन आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे. तो ये सब होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है. नीचे एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी हुई है, ये भी मोस्ट प्रॉबली जो है पूछी जा सकती है असिस्टेंट रीजन में, तो उसको अच्छे समझते हैं. दैट व्हेन इट कम्स इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. जब हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं तो हमें लिविंग स्टेट को डिफाइन करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है. वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स. हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी पेशेंट होते हैं वो कोमा में लेटे हुए हैं, वो वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं बाय द मशीन जिनका हमने हार्ट या लंग चेंज किया होता है. द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड. पेशेंट जो है वो ब्रेन डेड है. द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. उस पेशेंट में कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, पर हम फिर भी उसको लविंग मानते हैं. ये सब आप भी जानते होंगे कि जब भी कोमा में कोई भी ह्यूमन बींग होता है हम उसको लविंग बोलते हैं. क्यों? बिकॉज हमने सेल्फ कॉन्शियसनेस को लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं किया है, ठीक है. कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. तो हम अगर देखें तो कौन कौन है डिफाइनिंग फीचर? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. दीज थ्री आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग. आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो. काफ़ी लॉन्ग है, फर्स्ट टाइम इतनी लंबी वीडियो मैं बना रही हूँ, बट चलिए इन्जॉय कीजिए आप. नेक्स्ट हम बात कर देंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन. अभी तक जितनी भी स्पीसीज जो है वो हमने जानी है और डिस्क्राइब की है वो है 1.7 से 1.8 मिलियन. इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो, और डाइवर्सिटी मीन्स जो उनका डाइवर्जन है, जो इतने सारे नंबर्स हैं उनके, ठीक है, जो प्रेजेंट हैं अर्थ पे, उन सबको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट पॉइंट आता है नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर क्या होता है? देर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब इतने सारे मिलियंस में हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, तो हमें ज़रूरी है उनका अलग अलग पर्टिकुलर नाम रखना, क्योंकि अगर हम नाम नहीं रखेंगे तो देर इज मच कन्फ्यूजन. तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो है एक नोमेनक्लेचर बनाया जाता है, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम देना, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर. उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इज द आइडेंटिटी कार्ड, लाइक आधार कार्ड जो हम सबका है, उस तरीके से आइडेंटिफिकेशन इन सब चीज़ों का भी होता है. व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, जब एक ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं करेक्टली, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, और हमें ये भी पता हो कि इस ऑर्गेनिज्म से हमें किस नाम को अटैच करना है, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. उसके बाद आते हैं कुछ, कभी कभी पूछ लेते हैं नीट में कि ICBN या ICZN क्या है. तो ICBN इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. फिर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स. बाइनोमियल क्यों है? कि बाय आगे दिया हुआ, मतलब कि दो होंगे. बाइनोमियल मतलब दो, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एफिडेट होता है. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This system is given by the Carolus Linnaeus. इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ तो वो, जैसे कि हम मैंगो लेते हैं, मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका. तो मैंगीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीसीज. इंडिका मतलब इंडिया में स्पीसीज. उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन. सो वॉट इज द क्लासिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस बाई विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इन टू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्व करेक्टर. कुछ ऑब्जर्व करे हमने करेक्टर, उनके बेस पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी. वट इज टैक्सोनॉमी? इज द बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट टैक्सा.
कुछ करेक्टर्स के बेस पे जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में रखते हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सा में रखा तो हमने उसको क्या बोला, टैक्सोनॉमी। और कुछ करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस बेसिस पे हम रखते हैं, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं टैक्सा में, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। उसके बाद लिखा है द हेंस करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन को पता है क्या, करेक्टर्स निकालना, उसके आइडेंटिफिकेशन उसको आइडेंटिफाइड करना, क्लासिफिकेशन उसको अलग अलग ग्रुप में रखना, नोमेनक्लेचर उसे एक नाम देना, ये सारे प्रोसेस किसमें आते हैं, टैक्सोनॉमी में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ज़रूर है आपके लिए, ये बहुत पूछा जाता है नीट में, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो आपको कुछ वर्ड में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, जैसे टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स। तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं इन तीनों चीज़ों को। क्लासिफिकेशन होता है चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में रखना, टैक्सोनॉमी होता है टैक्सा के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, और सिस्टमैटिक्स होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनिस्ट को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सिस्टमैटिक्स क्या है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लीनियस ने एक बुक लिखी है, उनका एक पब्लिकेशन है विच इज द सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमैटिक्स टेक्स इन टू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है उनके बारे में बात करते हैं सिस्टमैटिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास टैक्सोनॉमिकल नॉमिक कैटेगरीज। ये क्या होती है, ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो आप नीचे सारी देख रहे हैं ये सब होती हैं कैटेगरीज। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। तो इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टैक्सोन। किंगडम इज अ टैक्सोन, फाइलम इज अ टैक्सोन, क्लास इज अ टैक्सोन। तो सबसे पहले इसको लाइन वाइज याद रखिए, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी में ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो क्या होता है, किंगडम। ठीक है, किंगडम, उसके बाद फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो हम इन सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होती हैं, बट अगर आप उनको समझो अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक ट्रिक मैं आपको बता दूं इस हायरार्की को याद करने की। दिस इज द किंग की फिजिक्स की क्लास लगी, वहां से ऑर्डर मिला, फैमिली को बुलाओ ग्रुप सजेशन के लिए। गुड, समझ में आ गया आपको कहाँ पे क्या था। किंग की फिजिक्स की क्लास लगी, वहां से ऑर्डर मिला, फैमिली को मिला बुलाओ ग्रुप सजेशन के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में। सो स्पीसीज आर टैक्सोनॉमिकल नॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। देखो स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल सिमिलरिटीज को शो करती है। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिल रही हैं तो उनको हम स्पीसीज में रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आपको दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है, अगर आपको ये समझ में ना आया तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के वो जो लाइंस दी हुई हैं स्पीसीज में वो पढ़ो, देन उसके बाद आप ये पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका नेम, नेम में आता है मैगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये किसका नाम है, ये नाम है मैंगो का, मैंगो का बायोलॉजिकल नाम है मैगीफेरा इंडिका। इसका जीनस है मैगीफेरा जो कि सब ऊपर लिखा हुआ है, और उसके बाद इंडिका है इसकी एक स्पीसीज। ठीक है, इसमें दूसरी स्पीसीज का नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए आपको शो नहीं किया। उसके बाद दूसरा आता है सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, ये किसका नाम है, ये है पोटैटो का नाम। इसके साथ साथ आपको नाम भी याद रखने होंगे कि सोलानम ट्यूबरोसम इट इज़ द नेम ऑफ पोटैटो। सो इसमें जो जीनस है इसका वो है सोलानम, इसकी पहली स्पीसीज है ट्यूबरोसम और दूसरी स्पीसीज है निग्रम। तो जो ट्यूबरोसम और निग्रम ये दो स्पीसीज हैं, ये दोनों फंडामेंटल सिमिलर हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए इनको हमने स्पीसीज में रखा है। उसके बाद है पैंथेरा लियो, मतलब कि लॉइन, तो पैंथेरा इट इज़ द जीनस एंड स्पीसीज लियो एंड टिग्रेस। तो आप जानते हो कि
लियो और टिग्रेस जो है वो काफ़ी थोड़ा सा सेम सेम से होता है, ठीक है। टिग्रेस मतलब कि टाइगर और लियो मतलब कि लॉयन, ठीक है। तो इनके बेसिस पे फंडामेंटल सिमिलरिटीज के बेसिस पे हमने स्पीसीज को रखते हैं। उसके बाद दूसरा आता है जीनस। जीनस क्या होते हैं? जीनस वो होते हैं जो रिलेटेड स्पीसीज होती हैं उनका हमें जीनस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक बार समझ लिया एक भी टैक्सोन, तो आप सारे टैक्सोन को समझ जाओगे अच्छे से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ये भी फोकस रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें क्या क्या लिखा है, एक एक लाइन का मतलब आपको समझाऊंगी। दैट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है, विच हैज मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि इट हैज मोर करेक्टर्स कॉमन टू कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये दो स्पीसीज हैं, ठीक है। एक हमने ली है प्लांट से और एक हमने ली है एनिमल से। तो इन्होंने इस लाइन में ये कहा है कि विच हैज मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। तो जो पटेटो और ब्रिंजल, ये सेम स्पीसीज से है ना, दोनों सेम स्पीसीज से हैं और इनका जीनस एक है सोलेनम, ठीक है। और जो नीचे आपको दिए हुए हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस एंड पैंथेरा टिग्रेस, ये तीनों एक ही स्पीसीज से हैं और इनका जीनस एक है, वो है पैंथेरा। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि जो लियो पैराडस और टिग्रेस है, इन तीनों में ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स होंगे या फिर जो पटैटो और लियो है इनमें ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स होंगे। तो एज यूजल आप जानते हो कि करेक्टर्स सेम ज़्यादा किस में होंगे, लियो पैराडस एंड टिग्रेस में। सो यही बात इसमें समझाई गई थी यहाँ पर कि विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज। जेनेरा जो है वो है क्लोज रिलेटेड, मतलब कि पटैटो और ब्रिंजल जो है वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं। तो इनका ग्रुप क्या बन गया? सोलनम, ठीक है। क्लियर हो गया? प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद उतना क्लियरली मैं आपको ना समझा पाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको जहाँ भी जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज आप लोग ऐसे कमेंट करोगे तो मुझे और आगे की वीडियोज़ बनाने में बहुत मज़ा आएगा और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। फिर आती है फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जैसे कि आपने देखा सबसे पहले आई थी स्पीसीज जो कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज में थी, उसके बाद आया था जेनेरा जो कि ग्रुप था स्पीसीज का। अब आई है फैमिली। तो फैमिली है वो ग्रुप है किसकी? जीनस की, रिलेटेड जीनस की, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। इसमें थोड़ी कम सिमिलरिटीज हैं किसके उसमें देखें, अगर हम कंपैरिजन में, अगर हम जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में देखें तो फैमिली में थोड़ी सी कम सिमिलरिटीज हैं। सो फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज में जो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे करेक्टराइज किया है। तो जैसे कि देख लो तीन जेनेरा उनकी फैमिली सेम, ठीक है, जैसे सोलनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा, इनकी सेम फैमिली हो गई सोलेनेसी, पेंथेरा, लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड और फेलिस कैट, ठीक है। ये दो जेनेरा थे, इनकी एक फैमिली हो गई फेलेडी, और जो डॉग है उसकी क्या है? कैनेडी फैमिली। इस तरीके से आप एक एक बार एनसीईआरटी का भी जो पैरा दिया है उसको भी पढ़ते रहो, क्लियर हो जाएगा उससे थोड़ा सा। उसके बाद है ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स। सो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स। तो एग्रीगेट्स करते जाते हैं हम करेक्टर्स को, मेंशंस करते जाते हैं बार बार, ठीक है। तो द सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। तो अब क्या होगा, जितना जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, मतलब जितना हम किंगडम के पास तक जाते जाएंगे, उतने उतने जो फंडामेंटल करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा आप एक चीज़ मुझे बताओ कि आपने शेर को देखा और कुत्ते को देखा, ठीक है, दो के बारे में आपको बताती हूँ, एक तरफ लॉयन है और एक तरफ डॉग है। ये दोनों जो है अगर आप बिल्कुल नीचे से देखो तो यहाँ पर इनकी जो है वो फैमिली अलग अलग थी, फैमिली इनकी अलग अलग थी, इनकी फैमिली जो
लॉयन है उसकी फैमिली थी फेलेडी, और जो डॉग था उसकी फैमिली थी कैनेडी। अब आप ऑर्डर में देखोगे कि इनकी फैमिली जो है वो, इनका ऑर्डर जो है वो सेम हो गया, कार्निवोरा। ठीक है, यहाँ पर अलग थे पर यहाँ सेम हो गए। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे जब क्लास में, तो उनकी क्लास जो है वो सेम पड़ेगी, और उसके बाद जो है उनका फाइलम वो सेम होगा, फाइलम के बाद जो उनका किंगडम है वो सेम होगा। तो इस तरीके से जो है जितना ऊपर जाते जाएंगे उतने ही फंडामेंटल करेक्टर्स जो है वो कम होते जाएंगे, और हमें एग्रीगेशन करना पड़ेगा बहुत सारे करेक्टर्स का, उसके बाद ही हम उन्हें रख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, आई थिंक आपको समझ में आओ। उसके बाद जो उसमें फैमिली है, दो फैमिली मिलाई हमने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, कॉन्वलेसी एंड सोलनेसी। इसको एक ही ऑर्डर में रखा है, पॉलीमोन्यूल्स, उसके बाद है फेलेडी और कैनेडी, उसको हमने एक ही ऑर्डर में रखा है, दिस इज कार्निबोरा। उसके बाद है क्लास, द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब क्लास में क्या हुआ, रिलेटेड ऑर्डर्स आ गए, जैसे कि प्राइमेट में मंकी, गोरिल्ला और गिबन से क्लास बन गई मैमेलिया, और कार्निवोरा जिसमें टाइगर, कैट और डॉग आ रहे हैं, जो कि पहले अलग थे। जब आप देख रहे होगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इन सबसे आपने देखा होगा, तो ये सब अलग अलग थे। अब एक कार्निवोरा ऑर्डर से सेम हो गया, उनकी क्लास भी सेम आई, क्या मैमेलिया। उसके बाद फाइलम में वही सेम चीज़ होती है, फाइलम में क्या क्या आता है, फाइलम में आते हैं आपकी फिशेस, एम्फीवियंस, रेप्टाइल्स, वर्ड्स, मैमल्स, ये सारे आपके फाइलम्स होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और अगर हम प्लांट्स के बेसिस पे लें तो प्लांट में हम इसको बोलते हैं डिवीजन, और एनिमल्स में इसको बोलते हैं हम फाइलम। सो प्लांट्स में आप लोग जानते होंगे सबसे पहले क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है, इस तरह चलते हैं ब्रायोफाइट, और उसके बाद जो है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद सबसे हाईएस्ट क्या है, किंगडम। इसमें जो है सारा एग्रीगेशन होता है फाइलम्स का, और क्या बन जाता है, किंगडम। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेम एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, और इसमें मैंने आपको समझाना था बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, तो समझिए इसको। इट इज़ एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम स्पीसीज जो कि सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की, उसको उससे अगर हम किंगडम की साइड जाते हैं, तो जो कॉमन करेक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो लोअर द टॉक्स टैक्सा, मोर द करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेम्बर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। जितना कम टैक्सा होगा, जितने हम लोअर लेवल में होंगे, उतने ही सिमिलर करेक्टर्स जो हैं उसके मेंबर्स शेयर करेंगे, और जितनी हम हायर कैटेगरी में जाते जाएंगे वहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इन लाइनों में ये था जो कि सेम एनसीईआरटी में दिखाया, जो कि थोड़ा टफ होता है समझने के लिए। उसके बाद ये पूरी एनसीईआरटी की जो टेबल है वो दी हुई है, ये टफ नहीं है बिल्कुल भी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी बिखर सी गई है इसमें। देखो, मैन का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, मैन कहाँ रहता है, घर में, घर मतलब होम, तो नाम हो गया। उसके बाद उसका जीनस क्या होगा, होमो, जो आपको पता ही है कि पहले होमो आएगा। उसके बाद उसकी फैमिली, उसकी फैमिली होमी। ठीक है, अब उसकी वाइफ का नाम क्या हो गया, होमी। उसके बाद ऑर्डर, अब बीवी कुछ ऑर्डर देगी तो उसके लिए क्या होगा, प्राइम ऑर्डर, प्राइमेटा। उसके बाद क्लास, जब उसकी क्लास लगती है, आप लोग भी बहुत सारे जोक्स पढ़े होंगे आपने, कि जब पति की पत्नी से जो है क्लास लगती है तो क्या आवाज़ आती है, मीमी, मिमनाना। ठीक है, मिमनाना, तो ये हो गया मैमेलिया, और फाइलम और डिवीज़न में आ गया क्या, कॉर्डेटा। ठीक है, और किंगडम में क्या आएगा, किंगडम ऑब्वियस है, एनिमेलिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक सेट सा कि उसने कॉर्ड से जो है फांसी लगा ली। ठीक है, फाइलम कॉर्ड से फांसी लगा ली, एक्सट्रीम केस हो गया, इतनी उसकी डांट पड़ गई। तो आपको समझ में आ गया होमो सेपियंस। उसके बाद है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो है हमारे घर में आने के लिए हमें मस्का लगाती है कि प्लीज़ हमें घर में ले आओ, घर में ले आओ। ठीक है, तो मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका मतलब कि घर होता है, डोमेस्टिक, तो मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद मस्का इज द जीनस मसेडी, हम मसेडी मतलब कि हम उसकी जो है फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है उसका ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है उसका, डिप्टेरा मतलब कि दो बार वो घर में आई। ठीक है, डिप्टेरा दो बार तेरे घर में। उसके बाद इन, इंसेक्टा मतलब कि इन कर गई, और अर्थ पे है, आर्थोपोडा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैंगो, मैंगो इज अ मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इज अ जीनस। उसके बाद आती है एनाकार्डियेसी, उसके बाद उसका स्पेंडियल्स,
उसके बाद डाइकॉट, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो अगर आपको याद रखना है कि मैंगो जो है वो डाइकॉट होता है, ठीक है, तो हमें दो आम खाने हैं, डाइकॉट। उसके बाद आता है वीट, वीट इज़ अ ट्राइटिकम एसेटिवम, ट्राइटिकम इसका जीनस, फिर पोइसी, फिर पोल, फिर मोनोकॉट, फिर एंजियोस्पर्म, ख़त्म हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फैमिली होती है प्लांट्स में, जो फैमिली होती है, जो एनिमल्स में फैमिली होती है, उसमें लास्ट में ए ई लगा होता है, ए ई। देखो आप देख सकते हो ये फैमिली में ए ई लगा है, यहाँ पे भी ए ई लगा है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें ई ए ई लगा होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस में पूछे हुए हैं और मैंने इसमें दिए हुए भी हैं इस ई बुक में। तो अगर आप बाय करोगे इस ई बुक को तो आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। उसके बाद लास्ट हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ क्या होता है, इस पर हमें ये जानना है। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जनरल हमें बायो रिसोर्सेज के बारे में जानना है उसमें। तो कितने टाइप के हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स? पहला है हर्बेरियम, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाती भी रहूँगी। हर्बेरियम क्या होते हैं, जो आप बनाते हो 10th या 12th में, अपनी हर्बेरियम फाइल बनती है, उसमें एक आप पेज लेते हो, पेज के ऊपर आप प्रिजर्व किया हुआ अपना प्लांट लगाते हो और नीचे उसका जो है कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हो, जिसमें आप उसका कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, उसका आप जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ लिखते हैं, ठीक है, कहाँ से कलेक्शन किया, क्या क्या किया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है बोटानिकल गार्डन्स। तो बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है, यहाँ पर हम प्लांट्स को रखते हैं, ठीक है, उनका हैबिटेट को जानने के लिए, ठीक है, सब कुछ लिविंग होता है, इसमें कुछ प्रिजर्व नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में हम स्केल्टन वगैरह रखते हैं, जैसे कि डायनासोर, जो कि हमें कभी नहीं मिलेगा, उसके लिए हमने एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है, ठीक है, या फिर हम अपने कभी दोस्त से बोलते हैं कि तो म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ है, तो म्यूज़ियम ऐसी जगह पर होता है। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क्स, जो जू हम नॉर्मली घूमने जाते हैं। उसके बाद की की इज़ एनालिटिकल इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं नीट पे, इसके बारे में आपको समझाऊंगी आगे। उसके बाद आता है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, इसके बारे में भी कभी कभी जो है पूछा जाता है। सबसे पहले हर्बेरियम, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्वड ऑन शीट। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, ठीक है। इस तरीके से देखो आप बनती है हर्बेरियम फाइल। उसके बाद है बोटानिकल गार्डन्स, इट्स फॉर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। फेमस बोटानिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में, ठीक है। इस तरीके से देखो होते हैं बोटानिकल गार्डन्स, इसमें अच्छे अच्छे प्लांट्स वगैरह सब लगे हुए होते हैं। उसके बाद आता है म्यूजियम, इट हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीमैन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्वड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है। तो उनको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको किल करते हैं और उसको पिन कर देते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन ऑफ एनिमल्स टू, इस तरीके से देख सकते हो आप म्यूजियम वगैरह में। फिर है जूलॉजिकल पार्क्स, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल यूज टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। तो जू में हम रखते हैं एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से और उनकी फूड हैबिट्स, उनके बिहेवियर को जानते हैं, जिसको नॉर्मली हम जू बोलते हैं। इस तरीके से आप भी बहुत बार जू में गए होंगे। उसके बाद आता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी एक टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड है जो यूज़ होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके किस बेस पे, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे। द कीज़ आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, कीज़ का जो बेस होता है वो होता है कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, जनरली पेयर को हम बोलते हैं कॉपलेट, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं कप प्लेट, जैसे हम चाय पीते हैं कप प्लेट, तो अगर साथ में हमेशा उसको लेंगे, जबकि कंट्रास्टिंग है एक दूसरे से, कप अलग दिखता है, प्लेट अलग दिखता है, पर हम उसको देख सकते हैं कि अगर साथ में हम लेंगे तो वो हो गया कप प्लेट, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, हमें दो अपोजिट ऑप्शन में से एक चूज करना होता है और एक रिजेक्ट करना होता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ईच स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, उन दो को हम लीड बोलते हैं, अगर साथ में लेंगे तो उसको हम कप प्लेट बोलते हैं। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। उसके बाद आता है फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के बीच में जो
फ्लावर्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में बताता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि फ्लोरा मीन्स फ्लावर, और फ्लावर्स कहाँ उगते हैं? प्लांट्स में. ठीक है, उसके बाद आता है मैन्यूल्स. तो दीज आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स इन अ स्पेस स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. तो जो भी स्पीसीज मिलती है एक एरिया में, उसके बारे में मैन्यूल्स में बताते हैं. फिर है मोनोग्राफ. मोनोग्राफ जो है वो इन्फॉर्मेशन रखता है अबाउट एनी वन टैक्सॉन. तो कोई भी टैक्सॉन है, जैसे कि मान लो जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है, तो उस टैक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देता है? मोनोग्राफ. फिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देख सकते हो इस तरीके से आते हैं, इनके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं. ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए. ठीक है, सो गाइस, अगर आप ई बुक बाय करना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है मैंने. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है. अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में अच्छा लग रहा है, और जो भी बेस्ट हो उसको एक बार कमेंट में करके ज़रूर बताएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.